सुगज मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं एट ओपनिंग। दोस्तों यदि आप यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल की मदद से, दोस्तों आप यहाँ पे दो मिनट के अंदर दोस्तों आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे अपने मोबाइल की मदद से। अगर आप यहाँ पे आरटीपीएस ओपी जाकर अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म अगर फिलअप कर दिए यानी ऑनलाइन करवा दिए दोस्तों आपको एक स्लिप मिला होगा छोटा सा। अगर आप वो स्लिप है दोस्तों आपको वहाँ पे एक आवेदन संख्या वहाँ पे लिखा रहता, अगर आप वहाँ पे आवेदन संख्या अगर आप वहाँ पे डाल के दोस्तों आप यहाँ पे इजिली आराम से यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे अपने मोबाइल की मदद से। लैपटॉप से डाउनलोड करो या मोबाइल से करो या पीसी से करो दोस्तों आप पे ईवीएम से पे डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करना इस वीडियो भाई शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी भाई जरूर दबा देना। आपको यहां पे नए-नए वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे गूगल में आना होगा। गूगल में आपको यहां पे सर्च करना है, क्या चीज आपको सर्च करना है, आरटीपीएस सर्विस प्लस, ठीक है, आरटीपीएस सर्विस प्लस। जैसे ही आप यहां पे सर्च करेंगे दोस्तों पहले आप देखो, ठीक है, अच्छे से आपको यहां पे देख लेना होगा क्या चीज आपको सर्च करना है, आरटीपीएस सर्विस प्लस, ठीक है। ये जैसे आप सर्च कर देंगे उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ बिहार फर्स्ट वाले आपको वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। जैसे कि आप फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा पेज यहां पे लोडिंग ले रहा है, आपको वेट करना है। उसके बाद दोस्तों इसका यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, यानी आप यहां पे देखते भाई लोक सेवाओं अधिकार एवं अन्य सेवाएं, ठीक है, यहां पे दिया गया आरटीपीएस एंड अदर सर्विस यहां पे दिया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करना होगा, इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करना होगा, इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करना होगा, इस पेज को भाई ऊपर कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहां देखो नागरिक अनुभाग है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे खुद का पंजीकरण पासवर्ड भूल गए, उसके बाद आवेदन का स्थिति देखें, सर्टिफिकेट डाउनलोड। दोस्तों यहां देखिए फोर्थ नंबर पे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड, आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना होगा। जैसे कि आप यहां पे सर्टिफिकेट डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों यहां देखो भाई ऊपर में क्या चीज लिखा है, डाउनलोड सर्टिफिकेट लिखा है, ठीक है, सर्टिफिकेट लिखा है। यहां पे आरटीपीएस सेलेक्ट सर्विस में पत्र आरटीपीएस बताया जा रहा है, उसके आपको इसी ऑप्शन में क्लिक करना है, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद दोस्तों यहां देखो भाई एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ठीक है, यानी आपको आवेदन संख्या आपको यहां पर डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन यानी आवेदन किए होंगे, ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे, जाति प्रमाण पत्र हो या निवास हो या आय प्रमाण हो, तो भाई आप यहाँ पे इजीली हमसे पे तीनों आप यहीं से आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो या आय प्रमाण पत्र हो भाई, यानी इनकम सर्टिफिकेट हो, रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, तीनों में से आप यहीं पर आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल के यानी आप यहाँ पे आवेदन संख्या नंबर डाल के और जो भी आपका नाम होगा उसी पर आपका नाम लिखा होगा, स्पेलिंग अब मिला लेना होगा, वही आपको सही से स्पेलिंग डाल देना होगा, उसके आपको यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट क्लिक करना होगा, ठीक है। दोस्तों चलो भाई मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ, यानी आवेदन संख्या डाल के और जो भी आपका यहाँ पे रिसीविंग मिला होगा उसी पर आपका इंग्लिश में नेम स्पेलिंग होगा वही आपको देख देख यहाँ पे डाल देना होगा, ठीक है। एग्जांपल भी यहाँ दिया एबीसीडी कुमार दिया, ठीक है। चलो मैं अपना यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यानी आवेदन संख्या नंबर डाल के उसके बाद आपको नेम यहाँ पे डाल के और डाउनलोड क्लिक करके आगे प्रोसेस दिखा रहा हूँ, तो वीडियो भाई शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस पहले आप यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे ये जो भी है आवेदन संख्या नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ, आप अच्छे से देख लो। उसके बाद दोस्तों जो भी आपको यहाँ पे आवेदन संख्या के जस्ट नीचे में आपको यहाँ पे नेम होगा, इंग्लिश में नेम होगा, वो आपको यहाँ पे स्पेलिंग डाल देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करना होगा, डाउनलोड सर्टिफिकेट क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप देखो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे देखो नीचे में पीडीएफ व्यूअर बता रहे हैं, यहाँ पे चलो मोर वाले ऑप्शन क्लिक कर दो, सेकंड में ड्राइव पीडीएफ व्यूअर में क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते भाई, यहाँ पे मुझे यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट मुझे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है इजिली नाम से बिहार सरकार बता दें गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और आपको यहाँ पे फोटो भी देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पे नेम वूम जो भी है क्यूआर कोड और आपको प्रमाण पत्र संख्या ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप इजिली नाम से यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे निवास प्रमाण पत्र यानी इंग्लिश में इसका है रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है। आप यहाँ पे 39 पे क्लिक करो ऊपर में, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करो और गूगल फाइल में जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको सेंड फाइल भी क्लिक करके आप यहाँ पे अपने फ्रेंड को व्हाट्सअप भेज दो, नहीं तो आप अपने खुद के व्हाट्सअप पर यहाँ पे सेव कर लो, ठीक है, इजिली आराम से। तो या इसको स्क्रीन शॉट ले लो, कोई स्क्रीन शॉट मत लो, यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो सिंपल सी फंड आप समझ गए भाई इजिली आराम से यहाँ पे डाउनलोड कैसे करना है, यानी आप निवास प्रमाण पत्र हो जाति प्रमाण पत्र कुछ भी हो तो दोस्तों आप यहाँ पे इजिली आराम से यहाँ पे तीनों यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे इजिली आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख के अगर आप यहाँ पे सीख पाए होंगे निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करना, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी भाई जरूर दबा देना। आपको यहाँ पे नए वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले वीडियो मिलता रहेगा, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा इसी चैनल पर। प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड तक। चल दोस्तों बाय बाय दोस्तों।